आप देख रहे हैं रविवार और अब खास नजर मालेगांव धमाकों पर। धमाकों की जांच करी मुंबई एटीएस के लिए अग्नि परीक्षा इसकी जांच बन चुकी है। एनडीटीवी को खबर मिली है कि धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा की ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफिक टेस्ट में एटीएस को कुछ भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगे हैं। एटीएस मुंबई की कलीना लैब में साध्वी की जांच हुई है। उधर साध्वी प्रज्ञा से पूछताछ कर चुकी गुजरात पुलिस पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है साध्वी प्रज्ञा को। ऐसे में एटीएस पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि साध्वी प्रज्ञा का नार्को टेस्ट होना अभी बाकी है, जिस पर एटीएस की सारी उम्मीदें टिकी हैं। मालेगांव धमाकों की जांच में मुंबई एटीएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत दूसरे आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए उसने कई टुकड़ों को जोड़कर तस्वीर बनाने की कोशिश की है। शक की बुनियाद धमाके की जगह से पड़ी। ब्लास्ट मालेगांव में सीमी दफ्तर के ठीक नीचे हुआ था और जांच को दिशा मिली मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर से, जो सूरत में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस सुराग के बाद जब एटीएस ने जांच साध्वी प्रज्ञा पर फोकस की तो कुछ और बातें सामने आईं। धमाके वाली रात प्रज्ञा ठाकुर ने 400 मिनट यानी 6 घंटे से भी ज्यादा देर तक किसी शख्स से बात की थी और वो अनजान शख्स नासिक इलाके में ही था। सबूतों के आधार पर साध्वी और उसके दो साथियों को पकड़ा गया, जिनमें एक सेना का पूर्व अफसर भी शामिल है। आरोपियों के खिलाफ ज्यादा सबूत जुटाने की फिराक में एटीएस ने राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र में कई जगहों पर छापामारी की, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब सबूत कम पड़े तो एटीएस ने ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी। मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में महाराष्ट्र एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ चार और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सेना का रिटायर्ड मेजर भी है और अब उनके संदेह के घेरे में सेना के कई आला अधिकारी भी हैं। लेकिन महाराष्ट्र एटीएस के पास सबूतों के नाम पर कुछ भी नहीं और वो पूरी तरह से अवलंबित है साइंटिफिक टेस्ट पर। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने की बात यही है कि इन साइंटिफिक टेस्टों के आधार पर क्या महाराष्ट्र एटीएस इन सभी लोगों को सजा दिला पाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब मुंबई एटीएस के अधिकारियों को किसी जांच के दौरान मुंह छुपाने की नौबत आई हो। लेकिन आरोप साबित करने के लिए एटीएस को कम से कम इतना तो बताना ही होगा कि आखिर साध्वी के पास आरडीएक्स आया कहां से, क्योंकि सेना से आरडीएक्स सप्लाई की उसकी दलील गले से नीचे नहीं उतर रही। उधर साध्वी प्रज्ञा के बचाव में सियासी मुहिम शुरू हो चुकी है। शिवसेना तो अपने खर्च पर कानूनी मदद मुहैया कराने का ऐलान भी कर चुकी है। ऐसे में मालेगांव धमाके की जांच कर रही मुंबई एटीएस की हालत तलवार की धार पर चलने जैसी है, जहां कोई भी चूक बात का बतंगड़ बना सकती है। मुंबई से धर्मेंद्र तिवारी के साथ करुण कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।